बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे सबमिशन ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री। साइज इसका है 75 फिट बाई 84 फिट। गाइस हम इससे पहले बड़ी फैक्ट्रियों का सबमिशन ड्राइंग मतलब डिस्कस करते थे, उसमें दो तीन वीडियो बनानी पड़ती थी। तो आज हमने छोटी फैक्ट्री को एक ही ड्राइंग में, एक ही वीडियो में सबको, यानी प्लान, सेक्शन, एलिवेशन सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखें, हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इसका साइज़ यहाँ से देखें, ये 75 फिट। इस तरफ को है और ये 84 फिट इस तरफ को है। ठीक हो गया। तो इसको हमने इसको डिवाइड किया पहले से कि यहाँ हमने पिलर बना दिए, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, 19 फुट 3 इंच के खाने बना दिए। ठीक है। और ये आखिरी वाला छोटा खाना बनाया और ये पिलर है 1 फुट 3 इंच के, यानी कि 15 इंच के पिलर यहाँ पे भी, और अंदर भी हमने 15 बाई 15 के पिलर दिए, और ऊपर हमने आरसीसी बीम दिए 15 और 18 के। तो ये हमारा हाल जो है आरसीसी हाल है, जहाँ भी पिलर दिए। ठीक है। तो इसकी हाइट जो है 14 फिट है, हाल का साइज़ है 74 फिट और ये 40 फिट। ठीक है। यहाँ पर 40 फिट जो है, ठीक हो गया। इसको हाल हमने 74 फिट और 40 फिट इस तरफ किया, 20 20 फिट का, और ये इस तरफ को इक्वली डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ से आगे आ जाता है इस तरफ, ये ऑफिस बनाया एक, ये ऑफिस है। ठीक है। ये इस तरफ को हमने 16 फुट 9 इंच, यानी इसको सिर्फ ज़ीरो कर दें, 16 फुट पूरा इस तरफ को, तो ये हो गया हमारा, दो ऑफिसेज हो गए। ये 16 फुट इस तरफ को और 14 फुट इस तरफ को, ये भी 16 फुट और ये 22 फुट हो गया। ठीक है। उसके साथ ये वॉशरूम अटैच हो गया इधर, और ये भी 8 फुट और 4.5 फुट। ठीक है। 8.25 फुट और ये 4.5 फुट। तो ये दो वाशरूम, एक इधर ओपन है और एक जो है ये अटैच है। इसका लेवल भी +2 फिट है। इसके बाद आ जाता ये ओपन एरिया। ओपन एरिया में इसको यहाँ से शेड बनाया हमने, ये हमने दो पिलर दिए आरसीसी और यहाँ इस तरफ बीम दिया, और इधर हमने ट्रस डाली, ये एंगल आयरन की, इस तरफ ये एंगल आयरन इसके ऊपर डाले, और इस तरफ भी हमने डाले ये ट्रसेस वगैरह, और इसके ऊपर जी आई शीट डाली। तो ये पर्लिन हो गए, ये सारे इनको पर्लिन कहते हैं, और इस तरफ जो है ये ट्रसेस होंगे। तो ये यहाँ पे एरिया बाकी, ये जो है ये ओपन एरिया इतना बच गया। यहाँ पे इस तरफ हमने ये शेड दिया ऊपर जाने के लिए, इस तरफ भी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, इधर भी हमने इक्वली सीढ़ी दे दी ऊपर जाने के लिए। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ से ये वॉशरूम का पानी, यहाँ से दोनों का कंबाइंड, या मेन सीवर से और ऊपर से भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद जहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे इस तरफ जो है ये पहली जो सीढ़ी, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये कमरे दो बनते हैं, 19 फुट 6 इंच और ये 15 फुट के, और इसकी हाइट जो है 10 फुट है। इधर जो है ये भी रूम इतने बना, 15 फुट के दो हम कमरे बना दिए।
ये हो गया विंडो वन, और ये दो रूम वर्कर के रहने के लिए रेजिडेंस हो जाएगी, ये हो गए। और इसी तरह इस तरफ से हमने ये सीढ़ी चढ़ाई और ये जो शेड दिया था इसके रूम के ऊपर रूम, ठीक है, ये दो नीचे रूम थे, ऊपर भी दो रूम बन गए। तो ये दोनों रेजिडेंस के लिए, यहाँ वर्कर रेजिडेंस के लिए ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से शेड आ जाएगा बालकोनी, यहाँ से इधर भी आदमी आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। और ये जहाँ लॉन्ड्री वगैरह कपड़े धोने के लिए आ गए, और यहाँ इसके साथ अटैच वाशरूम हो गया। इसकी हाइट भी 10 फुट। इस तरीके से हमने इसको फर्स्ट फ्लोर इसका कवर किया, क्योंकि ये इसका ये वाला एरिया पोर्शन जो है जहाँ इसके ऊपर है, और ये वाला पोर्शन जो है इस यहाँ पे, इसलिए बाकी को जो हम शो करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है इसका एलिवेशन। एलिवेशन में हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइन जो नीचे फ्रंट पे होती हैं, फ्रंट पे हमें ये वाल नज़र आएगी, ये वाल नज़र आएगी, और ये चूँकि वाल नीचे होगी तो ये पीछे से ये वाला हमें नज़र आएगा, या फिर ऊपर वाले कमरे नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ से ये हाइट ले ली, ये लाइन ड्रा कर ली, ये लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद ये कॉलम पिलर आ गए गेट के, ये भी पिलर आ गया, और ये आ गया, और आखिरी वाली लाइन आ गई, ठीक है। फिर हमने ये लाइन ड्रा की और 2 फुट का ऑफसेट दिया, ये लाइन ड्रा हो गई। फिर इसमें हमने ये रैंप ड्रा किया, पहले इसका 3 इंच, फिर 2 इंच, ऐसे करते करते कम इसको यहाँ पे आधी इंच पे इसको रखा, और ये स्लोप बन गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पहला जो है ये 10 फुट पे हमने किया, ये बीम जो है, ये बाउंड्री वॉल तो 8 फुट की हमने आगे यहाँ पे 8 फुट पे ड्रा कर ली, ठीक है। तो बाहर वाली बाउंड्री वाला वो 8 फुट पे है, दरवाजे के यहाँ पे ये ग्रिल लगी हो, टोटल जो है 8 फुट बन गया, ठीक है। उसके बाद ये पिलर दिए हमने दीवार के ऊपर, और ये बल्कि दीवार के ऊपर पिलर नहीं दिए ये, बल्कि ये पीछे अंदर की तरफ जो पिलर है वो दीवार है, ये दीवार तो इस सामने वाली जो है ये एक ही दीवार है। ये बाउंड्री वॉल की तरह हो गया, इसमें ये सामने जो है ये फ्रंट वाली वॉल जो है ये बाउंड्री वॉल बनी, ये एक लेवल पे, और ये वाला जो है हाइट, और ये दो पिलर हमें नज़र आएंगे, बाकी पिलर कोई नज़र नहीं आएगा। तो खैर ये अंदर जो पिलर है वो ये शेड अलहदा से है पीछे, और ये वाली जो है ये बाउंड्री वॉल बाहर की तरफ है, इसलिए दोनों का आपस में कनेक्शन कोई नहीं है। तो ये शेड पीछे हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ये कमरा है, ये कमरा शेड के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली ये जो पीछे है 14 फुट वाली लाइन इसके ऊपर है, तो 4 फुट ये 18 फिट पे, तो इसलिए 4 फुट वो नीचे है, तो 4 फुट से उसका ऑप्शन लेंगे तो टोटल जो है ये इतनी जगह ऊपर बच जाएगी। इसी तरह ये जो फ्रंट पे इसके ऊपर ये आ जाएगा, तो दोनों की लाइन एक होगी, तो इसलिए ये RCC इसकी स्लैब होगी और इसकी भी, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये जो 10 फुट का हो गया इसके अंदर ही ये भी पैरापेट आ गई, तो ये टोटल मिला के ये 10 फुट हो जाएगा। इसकी भी RCC बीम और स्लैब डालेंगे, इसकी RCC बीम और स्लैब, और यहाँ पे इस तरफ शेड आ जाएगा।
फिर आ गया ये फर्स्ट फ्लोर पे पर्लन के नीचे, मतलब ऊपर जो है ये जी आई सी शीट आ गई, आर एन ट्रस रूफ ट्रस है, ठीक है, ये हम इसको ड्रा करेंगे, ये कारूगेटेड शीट है और इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दीजिए, ठीक है, टी आर एन गेटर स्लैब 3 इंच माडे इसके ऊपर डाल देंगे और 1.5 इंच थिक ब्रिक टाइल आ गई। ये तो खैर हो गया इसका एलिवेशन। और सेक्शन में देखें तो सेक्शन हमने जहाँ से काटा है, ये दीवार कटी, ये बीम कटेंगे और ये दीवार कटेगी, तो इसमें ये पिलर जो है ये पिलर नहीं कटेंगे, सिर्फ बाहर वाली दीवार कटेगी ये वाली और ये वाली, ये अंदर वाले पिलर जो है वो बिल्कुल कटेंगे नहीं। तो इसको ड्रा किया, ये जहाँ पे बीम कट गए ये उसके ऊपर आर सी सी स्लैब आ गई, नीचे ये रोड लेवल प्रिंथ लेवल आ गया, इसको ऑफसेट देंगे, ये इसकी डिटेल ये कंपैक्टेड अर्थ फिर नीचे आ जाएगी, 4 इंच एक सैंड आ जाएगी, सैंड फिलिंग आ जाएगी और 4 इंच थिक पी सी सी 1/4 8 आ जाएगी और 2 इंच ऊपर पी सी सी 1/4 आ जाएगी। तो इसमें ये है कि ये जो है इसको थोड़ा आप नीचे करेंगे, तो इसके अंदर जो है हैच करेंगे हम, देखें ये अर्थ का यहाँ पे इसको एंगल दे देंगे 45 का, उसके बाद ये लाइन जो है इसको डिलीट कर दें, तो ये कंपैक्टेड अर्थ आ गई और इसके ऊपर 4 इंच थिक सैंड फिलिंग, 4 इंच थिक पीसीसी और ये ऊपर 2 इंच थिक 1/4 आ गई। इस तरीके से ये फर्श इसका मुकम्मल हुआ। इसी तरह ये इसके स्पेसिफिकेशन वाटर प्रूफिंग किया, आरसीसी बीम स्लैब पहले आ जाएगा, उसके ऊपर 2 कोट्स ऑफ हार्ड बिचमन करेंगे, फिर 3 इंच थिक मड फिलिंग होगी और 1.5 जो है 1.5 इंच की ब्रिक टाइल लगेगी 1/3 सीमेंट सैंड मॉर्टर के साथ, तो इस तरीके वाटर प्रूफिंग मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरफ चूँकि सेक्शन हमने जहाँ से काटा है तो इस तरफ ये वाला रूम जहाँ नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये वाले चूँकि इधर बने हैं तो एक ही इसमें शामिल हुआ, तो इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये जहाँ से कटा है इसमें ये वाला पोर्शन नहीं कटता, इसलिए वो नज़र भी नहीं आता कि वो उस तरफ को हमने किया, इस तरफ को नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए वो सेक्शन में नज़र नहीं आएगा। फिर आ जाता है इसका नॉर्थ शो करना, नॉर्थ आप इसको रोटेट करके जिस तरफ भी वहाँ पे मौके पे नॉर्थ है उस तरफ को कर लें, फिर ये फाउंडेशन डिटेल देना ज़रूरी है, जो जो आप बना रहे हैं उसके अंदर कॉलम आरसीसी कॉलम है, दूसरे कॉलम है, सबकी फाउंडेशन डिटेल आप इसमें देंगे। यहाँ हम सिंपल सिर्फ इसको शो कर रहे हैं, तो इसकी स्केल भी लिखेंगे, 1 इंच इज इक्वल टू 2 फिट और 3 फिट इसकी पीसीसी है और ये ब्रिक वर्क है, इसको 27 इंच 22.5 22.5 के बाद 18 और ये 13.5 और 9 इंच की, ठीक है, इसकी सारी डिटेल आ गई। फिर आ जाता है साइड प्लान हमने बनाना है, साइड प्लान हमने मैक्सिमम कवर है इसके अंदर, ओपन एरिया भी है तो ओपन एरिया भी हम इसमें शो करेंगे थोड़ा सा है,
इस तरीके से हम इसको शो करेंगे और दोबारा इसको हैच कर लें। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमारा हैच हो गया। और ये इतना पोर्शन बच गया, तो आगे ये रोड आ गई। इस तरफ जो कौन सा प्लाट है वो लिख दिया, ये पीछे दो प्लाट है वो लिख दिया, इस तरफ ये प्लाट नंबर है, सबके प्लाट नंबर जो भी है, और इसके अलावा भी कोई और काबिले जिक्र जगह हो, कोई डिस्पेंसरी हॉस्टल हो, कोई भी चीज़ हो, स्कूल हो, मदरसा हो, तो वो अब यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि इंस्पेक्टर को ढूंढने में आसानी होगी। तो ये तो हो जाएगा, इसका ड्राइंग का हिस्सा मुकम्मल हो गया हमारा। अब आगे जो है ये स्पेसिफिकेशन वगैरह जो हम देते हैं वो स्टैंडर्ड इसके अंदर हमने लिखी हुई है, ठीक है। 6 इंच तक PCC है और ये फाउंडेशन है, इसके नीचे ब्रिक वर्क है, ये आगे DPC आ गई, ये फ्लोरिंग आ गई, ये डोर विंडोज़ का डिटेल आ गई, ये रूफ़ की डिटेल आ गई। इसके बाद ये दरवाज़ों के शेड्यूल ऑफ डोर विंडोज़ का है, इसमें गेट का साइज़ है, गेट नंबर 2 का साइज़ है, फिर डोर्स हैं D1 D2 D3 और ये विंडो 1। आगे रिमार्क्स में इसमें स्टील आयरन है, अगर अलमूनियम होगा तो अलमूनियम लिखेंगे, अगर वुड होगा तो वुड लिखेंगे। फिर आ जाता है ये शेड्यूल ऑफ एरिया, जो कि आपकी ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एरिया ऑफ प्लाट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया कितना है, ये भी कैलकुलेट करके लिखेंगे और दोनों को जमा कर लें तो टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा। ओपन एरिया जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये टोटल टोटल कवर्ड एरिया में माइनस नहीं करने बल्कि ग्राउंड फ्लोर का माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने कवर्ड एरिया, टोटल कवर्ड एरिया जो वो बड़ी प्रिसाइजली आपने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, ताकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर इस एरिया में कैलकुलेशन में कोई गलती हुई तो उन्होंने आपको इसको वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि दोबारा ड्राइंग बना के लेके आओ, साफ सारा सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, इसलिए इसमें बिल्कुल कोई कोताही ना करें। आगे आ गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, वर्कशॉप है, जो भी जहाँ पे लिखें उसका स्ट्रीट नंबर लिखें, उसको प्लाट नंबर लिखें, सारी डिटेल जहाँ पे लिखें। फिर आगे ओनर का नाम आ गया, इसके बाद आर्किटेक्ट आ गया, ड्रॉन बाई, डिज़ाइन बाई और अप्रूव्ड बाई, जो भी आपका ऑफिस सेटअप है उसमें 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, जो भी आप उनका नाम जहाँ पे लिखें। फिर आ जाता है जी लोगो, कंपनी का लोगो जहाँ आपने इंसर्ट करना है अटैच कर लें, यहाँ से आपने पहले बना के रखें एक साइड पे, ठीक है, तो ब्लॉक इंसर्ट कर लें। तो ये तो हो गया कंपनी लोगो, जहाँ पे नाम लिखेंगे आप कंपनी का हेड, और यहाँ पे इसके नीचे एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर्स, जो भी है सारी डिटेल इसके अंदर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सारा टॉपिक, एक आपकी सबमिशन ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी फैक्ट्री की। जब ये ड्राइंग मुकम्मल हो जाए फिर आप इसको प्लॉटर पे लेके जाएंगे, क्योंकि बड़े साइज़ का है इसलिए प्लॉटर पे इसका प्लॉटिंग होगी। जब इसका प्रिंट निकला है, ट्रांसपेरेंट शीट पे हमने इसको प्रिंट करना है, फिर उसको अमोनिया प्रिंट मशीन पे लेके जाएंगे, वहाँ पे इसके 3 कापियाँ करवाएंगे, 3 प्रिंट निकलवाएंगे, वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, हल्के ब्लू कलर, तो लाइट ब्लू, तो वो 3 कापियाँ और एक ये कापी, 4 कापियों मिला के इसके साथ
मिल्कियत के कागजात जो के होते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, उसको लेके कॉरपोरेशन में, बल्दिया में, या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास लेके जाएंगे, वो जो आपके जो एरिया कैलकुलेशन से आपको फीस वाउचर देगा कि कितने आपकी फ़ीस बनती है, तो आप फीस जमा करवाएंगे तो आपको वो गो थ्रू दे देगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा सबमिशन ड्राइंग का सिलसिला। घर का बनाना हो या ऑफिस का बनाना हो, किसी भी कोई भी आप नई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको सबमिशन ड्राइंग बनानी पड़ेगी। एक घर आपने पहले बना लिया, उसके अंदर एक कमरा दो कमरे फालतू और बनाए तो आपको दोबारा उसका नक्शा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको जुर्माना करेंगे और गिरा भी सकते हैं, जैसा कि अक्सर शहरों में होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।